हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज तारीख है 10 नवंबर। 10 ही है क्या यार? साला मेरा फ़ोन का चार्जिंग पर लग रहा है, शायद 10 ही आज। कुछ खास नहीं यार, मैंने सोचा था डेली व्लॉग करूँगा, डेली कुछ ना कुछ कंटेंट बन ही जाता है, कुछ ना कुछ कहानी बनी जाती है। बट देन कल ऐसा हुआ, कल मैं शेखर स्पंद सर्कल वाले चैनल के लिए वीडियो बना रहा था एंड वीडियो बनी, बहुत अच्छी वीडियो बनी, मैंने अपलोड भी करी बट वो लेट हो गया था। मैं नित्यम, नित्यम ओए नित्यम, फोटो नहीं वीडियो ही व्लॉग में ब्रो। ब्रो लुक हियर ब्रो, देखो रहा तू, एक छोटी स्क्रीन में देख। जिम्मी नहीं, ये नहीं डरता भाई, ये नहीं डरता जिम्मी से। जिम्मी चलो। तो यार अभी नित्यम आया था, नित्यम से हाय टू द कैमरा। जिम्मी नहीं, पीछे 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 भाई 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 भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नित्यम के पैर कैसे हो रहे हैं यार? ये वही है जिसका आपने बर्थडे वो वाली वीडियो देखी होगी ना, जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, जब मतलब ये होम कमिंग इसकी सोनी बर्थडे, तो उसका भी आया नहीं, इसकी होम कमिंग सेलिब्रेट की थी। तो आप जाके देख लो, आई बटन में मैं पिंक कर दूंगा। ये वही छोटू सा बेबी है। ना 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 बेटा ना, आ जा आ जा। वो देखो भाई कहाँ बैठी है महारानी, देख रहे उसको ठाट, देखो जिम में क्या तुम ठाट। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ब्लॉगिंग नहीं, अच्छा ना, अच्छा टाइम आउट हो गया। अच्छा इतने ही पैसे के लिए तूने एक्टिंग करी क्या? ओके बेटा। और भैया हमें लग गई है ठंड, मतलब यार कल से पता नहीं क्या हुआ, हल्का सा जुकाम मैं फील कर रहा हूँ और बुखार न हो जाए इस वजह से। कल से पैकअप, लाइक परसों से, परसों वाले ब्लॉग में भी आपने शायद मुझे, जब मैं लड़िया लगा रहा था ना तब भी मैंने जैकेट पहनी हुई थी एंड अभी टाइम आ गया यार, लाइक विंटर्स इज कमिंग। गेम्स ऑफ थ्रोन की लाइन है, गेम्स ऑफ थ्रोन इज माई नंबर वन फेवरेट सीरीज, वेब सीरीज जिसको मैं सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने उससे अच्छी कोई सीरीज मैंने देखी नहीं। देन ऑन नंबर टू कम्स द 100, साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। और इंडियन वेब सीरीज में सो मुझे सीक्रेट गेम्स मिर्ज़ापुर अच्छी लगी, बट मिर्ज़ापुर में मैंने सेकेंड सीजन अभी तक नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा रखी थी मैंने, एक तो ये वाला चार्ज करना था, लास्ट वाली ट्रिप में जो गया था तो मेरे ड्रोन का जो रिमोट था वो चार्ज नहीं, मतलब डाउन हो गया था पूरा यार, चार्ज नहीं किया था। वैसे पावर बैंक से चार्ज हो जाते दोनों चीज़ें, बट फिर भी मैं चार्ज करके चलता हूँ। यार सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यार ये जो केबल है ना जो RC को फ़ोन से कनेक्ट करती है यार, ये मेरे छोटे पड़ रही है बिकॉज मेरा जो फ़ोन का जैक है वो उल्टा है एंड ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फ्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका अल्टरनेट मैं सोच रहा था, मेरे पास एक ये केबल है, ये टाइप सी दोनों टाइप सी है, मेरे को प्रॉपरली नहीं पता इनको बोलते क्या, सीरियसली आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैं सोच रहा था इसको बीच में यहाँ से काट दूँ, मतलब इतना काट दूँ और जो वायरिंग होगी ना इसमें कनेक्ट करके तो ये इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। अब दिमाग में तो ऊपर चल रही है, अब फिर दूसरा ओपिनियन ये कि अगर इतना चली तो क्या करेगा, बिकॉज ये एक इतनी सी केबल ना सिर्फ 550-600 रुपये की है, बस इतनी सी केबल 550-600 रुपये की है। मैं सोच रहा हूँ अगर ये कामयाब होगी तो पहले 550-600 बच जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो मंगानी तो फिर भी है ना यार, तो एक बार ट्राई भी कर सकते ना। तो यार अब रिस्की तो है, अब यही सेम चीज़ मैं अपनी मम्मी पापा को बोलूँ, दे विल बी लाइक करना क्या है भाई, जब काम चल रहा है तो चलाओ ना। अब यार मेरे को पता है जब मैं फ़ोन ऐसे करके जब ड्रोन उड़ा ना, एक बार ऐसा हुआ था कि फ़ोन गिरने वाला था, अब अगर वो डिसकनेक्ट हो जाते तो मेरे को RC से कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सपोज़ करो फ़ोन ड्रोन बहुत दूर है जो मुझे दिख नहीं रहा है, मेरी आंखों से दूर है, जैसे मसूरी में हुआ था, वहाँ पे क्लाउड्स वगैरह थे एंड वो ड्रोन काफ़ी दूर तक चला गया था तो विजिबल नहीं था मेरी आंखों से एंड फ़ोन निकल गया, डिसकनेक्ट हो गया, देन मैं क्या करूँगा, कहाँ से कंट्रोल करूँगा, कैसे कंट्रोल करूँगा, कैसे देखूँगा उसकी लोकेशन, कैसे पता लगेगी मेरे को, तो बस इसी चीज़ का डर है। तो 33,000 बचाने के लिए 500-600 रुपये और ये जो नेक्स्ट लेवल का आइडिया है ना तो उसको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। बाकी अभी तो फिलहाल चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, मेरे सारी चीज़ें चार्ज करके जानी है। कल चल रहे अपन ऋषिकेश, अगर मेरी तबीयत ठीक रही, मुझे बुखार ना हुआ, इतना नॉर्मली इतना जुकाम रहा तो मैं जाऊँगा वहाँ पर, आराम से बैठेंगे गंगा के साइड पर और धूप में बैठ के धूप सेकेंगे, आराम से मज़े करेंगे, अच्छा अच्छा सा कुछ खाएंगे। मेरा डोसा खाने का मन है तो अगर वहाँ से डोसा मिला ना अच्छा, तो आई विल ईट डोसा टुमारो एंड बाकी
तो कल ही देख लेना। ये बस आज शॉर्ट ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आज मेरा मन नहीं था। एक तो आज वाईफाई नहीं चल रहा, अगर मैं इस ब्लॉग को अपलोड करने बैठूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, बाहर जाके अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड रीज़न ये कि मतलब एक तो मेरी तबीयत अच्छी ख़राब थी, और दूसरी एक और रीज़न ये है कि मतलब मेरे को कन्फर्म नहीं था कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, बट जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था मैं जा रहा हूँ, और अभी दिवाली भी आ रही है तो अगर मैं ऐसे डिले करता जाऊँगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल तो मैं सारे गैजेट्स जो भी है मेरे पास वो सारे चार्जिंग पे लगा के थोड़ी देर हल्का सा लेटने वाला हूँ, थोड़ा सा नैप लेने के बाद फिर मैं वर्कआउट करूँगा एंड देन आई विल कंटिन्यू द ब्लॉग। तो भाई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया मैंने। अब इस केबल की जो DJI की केबल थी जो मैं काटने की सोच रहा था, उसकी जो ओरिजिनल जो MRP है ना वो 3000 समथिंग का है, लेकिन अमेजोन पे 3000 समथिंग का है, बट बाकी कंपनीज के 800-900 में भी अवेलेबल थे, बट मैंने काट दी यार। ये देखो यार, ये मैंने यहाँ से काटवा के इसको और इधर से भी, और डाटा केबल पड़ा था मेरे पास, उस डाटा केबल का जो मैंने वायर उसमें अटैच करवा लिया। तो दो तरह के वायर हमारे पास होते हैं, एक तो होता है चार्जिंग केबल जिसमें दो वायर होते हैं अंदर, जैसे इसमें चार वायर है ना, 1, 2, 3, 4, तो उसमें दो वायर होते हैं, वो सिर्फ चार्जिंग के लिए होते हैं, मतलब उसमें करंट फ्लो होता है। एंड जो बीच के जो मिडल वायर होते हैं ना, ये जो ग्रीन और वाइट इसमें दिख रहा है, ये डाटा शेयरिंग के लिए। एंड ऐसे ही USB केबल जो USB केबल होती है जिनसे हम डाटा शेयर कर लेते हैं, उनमें चार केबल होती है। एंड जो चार्जिंग केबल होता है उसमें सिर्फ दो वायर होती है अंदर। तो बस ये डिफरेंस था, इसी चक्कर में मैंने दो अपनी वायर काट दी, एक तो मेरे पास जो बेकार सी वायर थी वो मैंने काट दी, एक मैंने अपना ओरिजिनल डाटा केबल काट दिया जस्ट बिकॉज आई गॉट दिस। एंड ओरिजिनल मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि इसकी जो वायरिंग है ना अंदर से, मतलब उसमें आगे तभी कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड बाय द वे अगर मुझे आगे कोई ऑप्शन मिला तो मैं इसको इसकी नई वायर खरीद ही लूँगा, अगर मैं कहीं पे गया एंड वहाँ पे अवेलेबल हुई तो। अभी फ़िलहाल तो इसको ही टेपिंग करते हैं एंड उसके बाद एक तो भाई सारी चीज़ें करके देख ली। एक मिनट रुको यार। हाँ तो फिलहाल का सीन पता ये चल रहा है, ये वायर मैंने हटा दिया और ये वाली वायर अलग कर दी, और ये वाली कहाँ गई, ये वाली वायर अलग कर दी। अब इनको मैंने जोड़ के ना वैसे चला के देखा तो ये चल रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेसफुल। मतलब जो इतना बड़ा रिस्क लिया भाई, मेरा कलेजा पे यहाँ पे आ गई थी बात, तो फिर मतलब चल गया वो। और अभी टेस्ट करके देखा था, बाकी उड़ाऊँगा तो अभी नहीं हूँ बिकॉज टाइम हो गया यार, 5:30-6 बजने वाले हैं, 6 बज गए और कब मैं आज तो मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी तो यार थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई सच में कल भी यार 7:15 बज गए थे मेरे को वीडियो अपलोड करते करते, अभी फिलहाल मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है। 22 MB की मेरी वीडियो है शेकर्स मुसक्कर वाले चैनल पे। आज भी मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, मतलब लिटरली 5वें दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, 5वें 6वें दिन अपलोड कर रहा हूँ, ध्यान ही नहीं है काम में यार। उसके चक्कर में मैं यार इतना बड़ा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर, मतलब डिलीट कर दी थी मैंने यार वो वीडियो 1 घंटा रखने के बाद, बिकॉज उस पर व्यूज़ बहुत कम आए थे। यूजुअली मेरा टाइम जो होता है ना वो 5:30 से 6 बजे के बीच में होता है, और अगर हम किसी और टाइम वीडियो अपलोड करते हैं तो मेरे साथ तो ऐसा होता है मेरे चैनल के, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि व्यूज़ कम आते हैं, फिर इररेगुलर व्यूज़ आते हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ कल हुआ, मैंने 7:30 बजे डाला, 7:15 बजे मैंने वीडियो अपलोड करी, देन उसको ना मतलब बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, उसका रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक था यार। एंड वो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत कुछ लगा है मेरा उसको लिखने में, तो यार मैं उसको नहीं चाहता था यार उस पर वीडियोज़ व्यूज़ कम आए, लाइक 1 घंटे में उसमें 2000 व्यूज़ भी नहीं आए थे यार। वो क्या बोलूँ मैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन टाइम होता है यार यूट्यूबर्स के लिए, जब उनकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, अच्छी नहीं व्यू करती, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम दैट यूट्यूब हैव, एंड इट हैपन्स मैनी टाइम, एंड हम कुछ भी नहीं कर सकते इसको लेके, बस मैं डिलीट और री अपलोड करता हूँ, दैट इज़ माई ट्रिक एंड दैट वर्क्स वेल फॉर सम वीडियोज़। अभी फिलहाल नेट भी इतना सारा स्लो है ना यार, कल से वाईफाई भी नहीं चल रहा यार, एंड पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई बहुत हुआ है डिलीट विलीट का काम है, 2 बार डिलीट करके देख लिया मैंने, व्यूज़ कुछ आई नहीं। अभी फिलहाल भी नॉर्मल से ही चल रहा है यार, मैं खुश नहीं हुआ यार अपनी वीडियो से। तो यार आई बटन पे डाल दूंगा मैं, स्क्रीन में डाल दूंगा, आगे चेकआउट कर लेना वैसे ठीक है, अब काम चला लेंगे यार। अब ये वाला ब्लॉग मैं डालूंगा कल बिकॉज मेरी हो रही तबीयत अभी ख़राब, एंड वाईफाई भी नहीं चल रहा अभी, और इस वजह से टाइम भी बहुत लगेगा। देखो 10 मिनट में यार सिर्फ 500 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं हुए, सीरियसली 500 व्यूज़ लाइक, देखो यार देख रहे हो। अभी यहीं पे दिल टूटता है यार, मतलब इतना प्यारा लिखो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ एंड व्यूज़ नहीं आते, बस यही टेंशन वाला काम है मेरा, बाकी तो सब सही है यार। अब मैं इसको दोबारा डिलीट करूँगा, अगर मैं खुश नहीं हुआ ना मैं इसको दोबारा डिलीट करूँगा, इसको 3-4 दिन बाद अपलोड करते हैं, कल फिर मैं नई वीडियो बनाऊँगा तब इसको अच्छे से करूँगा,
सेकंड ट्रिक यही होती है बस, आप उसको तब अपलोड करो जब आपकी वीडियो व्यूज़ अच्छे जा रहे हो, चैनल व्यूज़ अच्छे जा रहे हो, तब फ़ायदा होता है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यार नोट्स कर लेना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। अब चलो यार, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा भाई, एक्सप्रेशन आप देख ही रहोगे फेस पे। चलो यार बाय, जो भी है जैसा भी है। विद दैट गाइस, अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना है, लाइक करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना। बाय।